हार्दिक शुभकामनाएं। कल ही रक्षाबंधन है, तो आपने अब तक चॉकलेट या चॉकलेट फज ट्राई कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो देख लीजिए, मैंने डाला है। बहुत ही अच्छा आइडिया है भाई बहन को गिफ्ट करने का, और तुरंत बन जाता है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगता, एक बार देख लीजिएगा। तो आज थोड़ा सा मुझे लगा कि मीठा तो है, मीठा तो बनता है, मीठा सभी लोग खाते हैं, तो थोड़ा सा नमकीन भी चाहिए। अब शाम को खाली मुंह थोड़े बैठे रहेंगे, चाय कॉफ़ी पियेंगे, साथ कुछ स्नैक्स भी तो चाहिए हमें, तो कुछ जो झटपट भी स्नैक्स बन जाए, ज़्यादा टाइम हमें किचन में स्पेंड नहीं करना है। क्योंकि बाहर देखिए जोरों की बारिश हो रही है और पकौड़े खाने का बहुत तेज मन हो रहा है, तो समय को और बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। अब चलिए रसोई में मेरे साथ झटपट कुछ स्नैक्स बना के ले आते हैं। स्नैक्स के साथ ही जो होता है वो अड्डा जो है वो जमता है, स्नैक्स कॉफी हो। तो आज मैं शेयर करूंगी पनीर पकौड़ा, बहुत ही इजी बन जाता है। 10 मिनट पनीर को मैरिनेट कीजिए, उसके बाद उसको बस बैटर में डुबा डुबा कर फ्राई कर दीजिए। तो चलिए और बात को नहीं बढ़ाते हुए चलते हैं किचन में। मैंने यहाँ एक पैकेट पनीर ले लिया है, 200 ग्राम है। आप जितने लोग हो उस हिसाब से आप पनीर को ले लीजिए, और देखिए ऐसे स्क्वायर स्क्वायर टाइप्स के हम पीसेस में इसको कट कर लेंगे। इसको हम फिर बीच से भी एक देखिए ऐसे काट लेंगे, क्योंकि बहुत मोटा नहीं रखेंगे, फिर वो पनीर का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा जब हम उसको फ्राई करेंगे। तो इस इतने थिकनेस में हम इसको कट कर लेते हैं। अब हम बस 10 मिनट के लिए इसको मैरिनेट कर देंगे। हमने डाला है चाट मसाला, देखिए मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा नमक डालेंगे और आधी लहसुन का जो है पेस्ट डालेंगे, और कसूरी मेथी से हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। कसूरी मेथी से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अच्छे से इसको मिला लेंगे हर पीसेस में, जैसे मसाला इसमें लग जाए। बस इसको अब 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक हम बैटर की तैयारी कर लेंगे। बैटर की तैयारी के लिए हम मैदा ले लिए हैं 1 कप, उसमें हम डालेंगे नमक और 1 चम्मच बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, इसको अच्छे से हम मिलाकर फिर हम इसको पानी डालकर अच्छे से पूरा घोल बना लेंगे। तो लीजिए बैटर तैयार है, अब फ्राई करने की बारी। हम पनीर के जो पीसेस मैरिनेट करके रखे थे उसको लेंगे और बैटर में डुबाएंगे और फिर उसको डीप फ्राई कर लेंगे। है ना बहुत आसान सा रेसिपी, और बहुत ही मज़ेदार लगेगा खाने में, आप एक बार बनाकर देखिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। मेरे कंटेंट अगर आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई कम अप विथ माई न्यू वीडियोज। तो एक और फ्राई हो जाए तो हम धीरे से इसको पलट देते हैं। तो लीजिए रेडी हो गया हमारा गर्मा गर्म पनीर पकौड़ा। देखिए कितना जल्दी ये रेडी हो जाता है, और बारिश का मौसम है, बाहर बहुत मूसलाधार बारिश हो रहा है, और ये गर्मा गर्म पनीर पकौड़ा आप चाय या कॉफ़ी के साथ एंजॉय कीजिए। और मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूले कि आपको मेरा ये रेसिपी कैसा लगा। Thank you.
तो आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ढेर सारी खुशियाँ बांटिए। और वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन।